मंगलवार का दिन रहा जनसुनवाई के नाम। दूर दूर से लोग पहुंचे जनसुनवाई में। जनसुनवाई में काफी दूर दूर से लोग आते हैं, सभी को उम्मीद होती है। जनसुनवाई में कलेक्टर कमिश्नर जैसे जिले के वरिष्ठ लोग बैठते हैं, इसलिए उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन हम आपको बता दें, मंगलवार की जनसुनवाई में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए लड़ रहे हैं, कई बार आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इन लोगों का कहना था, हमारा नाम आवास की सूची में नहीं है, हमारा नाम शौचालय की सूची में नहीं है, हमारे गांव में जिनके नाम जुड़े हैं उनके पक्के मकान हैं, हमारे पास निकलने के लिए रास्ता नहीं है, हमारी जहां बस्ती उसके चारों ओर बड़े लोगों का कब्जा है, हमें निकलने भी नहीं देते। आइए एक इसी तरीके की शिकायतकर्ता की बात हम आपको सुनाते हैं। हम लोग झिरिया चौरा कंचनपुर मुड़ियारी से आए हुए हैं। हम लोगों के गांव में कोई आवास नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि दमंगों की चारों तरफ से ज़मीन है, हम लोगों का घर जो है तो बीच में, हम लोगों को रास्ता भी नहीं दिया गया है। पतली दो कदम की रास्ता है, जो कि सदियों से हम लोग रास्ता मांग रहे हैं पर रास्ता नहीं दिया जा रहा। हम लोगों के गांव में जो युवा लड़के हैं उनका बीपीएल सूची में नाम नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं बने, और दूसरा हम लोगों को कोई भी लाभ वहाँ पर नहीं मिलता है। अगर कोई लाभ जाता है तो सरपंच सेक्रेटरी साहब उसको दबा देते हैं। हम लोगों को ग्राम सभा में भी नहीं बुलवाया जाता है। मनरेगा का कोई काम अगर आता है तो वो भी हम लोगों को, मजदूरों को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग तरहार या बीना खुरई जा करके पेट चलाते हैं। जब अभी पता चला कि आवास बनने लगे हैं, पैसा आ गया है, तो हम लोग भी अपना सूची में नाम देखे तो हम लोगों का भी सूची में नाम नहीं है और हम लोगों को बेदखल है, बीपीएल कार्ड नहीं। इसलिए हम श्रीमान जी से निवेदन करने आए थे कि हम लोगों का भी निगरानी करके। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? कम से कम नहीं तो वहाँ पे हैं तो हजारों लोग, पर इस समय रोपा का काम चल रहा है, मजदूरी पेट करने वाले आदमी हैं तो कुछ लोग रोपा लगाने चले गए, इसलिए हम लोग 100-200 आदमी यहाँ आए हुए हैं। आवास के लिए आवेदन किया था? आवास के लिए आवेदन भी किया गया था, हैं, और सरपंच साहब भी भर के लेके गए थे, हैं, पानी के लिए भी नहीं है, हैं। अब वहाँ से जब सरपंच साहब से पूछते हैं तो पता चलता है कि होगा होगा, पर आ ही नहीं रहा। अभी किनका आया है? किन का आया है? मुश्किल से नहीं, 2 या 4 आदमी का आया है, पहले आया था शुरू, पर अभी की सूची में जिन बिल्कुल नहीं आ रहा, जो कि हर जगह पैसे आ रहे हैं, हर जगह आवास कुटियां बन रही हैं। वहीं कुछ दूसरे मामलों में, या यूं कहिए जन सुनवाई में जितने भी लोग पहुंचे थे दूर दराज के ग्रामीण थे, सबकी अपनी समस्याएं थी, सबको उम्मीद थी उनकी समस्या का निराकरण कलेक्टर अवश्य करेंगे। हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, भारी भीड़ होती है, लेकिन उस तरीके से समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता जिसकी उम्मीद लेकर दूर दराज से ग्रामीण आते हैं। ग्राम पंचायत चुमा बरिया, क्या समस्या आप लोगों को? रोड नहीं सर हम लोगों के पास। कितने लोगों की बस्ती है? हम लोग हैं 100-150 के घर की बस्ती। हरिजन? हरिजन जी। तो और दो चार कुछ तो सर हो गया, वहाँ रहते हम लोगों को। रोड नहीं है? रोड नहीं है हम लोगों को। सरंगाई जो निकलते थे ना, वो गाँव के सरंगाई के साथ जोत गए और आने जाने नहीं देते।